आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो स्टूडेंट आज का जो क्वेश्चन है यहाँ बोला है दो स्टेटमेंट है S1 और S2 फर्स्ट कह रहा है कि जो इनॉल फॉर्म है एसीटोन की इट इज लेस देन लेसेंट एंड इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसिटोन परसेंट सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन इज स्टेबिलाईज बाय द इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज नॉट पॉसिबल इन एसीटोन इनॉल फॉर्म तो चलिए दोनों स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं सबसे पहले हम एसीटोन देखते हैं तो ये होता है मेरा एसीटोन सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ आपका सी एच थ्री अब जब हमें इसकी इनॉल फॉर्म बनानी है तो देखो हम इनॉल फॉर्म कैसे बनाते हैं यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ ये आपका एक एच है इनॉल फॉर्म में क्या होता है ये वाला आपका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और इसके साथ जो ओ माइनस है वो इस एच को एपस्टार्ट करता है तो हमारी जो इनॉल फॉर्म आएगी डबल बॉन्ड सी ये आपका ओ एच एंड यहाँ आपका सी एच थ्री तो देखो ये आई इसकी इनॉल फॉर्म ठीक है अब अगर मैं बात करूँ कि इसकी एसीटाइल एसीटोन की जो ये बोल रहा है तो उसमें हमारा क्या होता है देखो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा सी एच ये आपका इस तरीके से यहाँ हमारे पास सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ये तो इसका फार्मूला है अब अगर हम इसकी इनॉल फॉर्म बनाए अगर हम इसकी इनॉल फॉर्म तो सपोज़ यहाँ से हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा CH3, C, यहां पे आपका सी एच थ्री सी यहाँ पर आपका ओ एच हो जाएगा एंड यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड सी एच ये आपका सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे मेरा CH3, तो ये इसकी इनॉल्व फॉर्म हो गई अब हमने दोनों की इनोल्व फॉर्म बनाई देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो हमारी बनती है पॉइंट वन परसेंट और ये आपकी बनती है फिफ्टीन परसेंट ये इससे ज्यादा क्यों बनती है देखो क्योंकि यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इंट्रामोलिकुलर यहाँ क्या बन रहा है आपका इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब एक ही मॉलिक्यूल में हमारा एक ही मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग हो रही हो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं है एक ही में हो रही है आपकी और अगर आप देखो तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक सिक्स मेम्बर्ड रिंग भी बन रही है तो ये हमारा क्या होता है स्टेबल होता है ठीक है तो ड्यू टू दिस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द इनॉल फॉर्म ऑफ दिस एसिटाइल एसिटोन इज मोर स्टेबल दैट इज़ वाई ये हमारा फिफ्टीन परसेंट बनता है और ये पॉइंट वन परसेंट बनता है क्योंकि अगर हम कीटो और इनॉल की बात करें तो कीटो फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म बट इन दोनों में अगर सिर्फ इनॉल में कंपेयर करें तो इसका इनॉल कम बनता है कंपेयर टू एसिटाइल एसिटोन बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल इन एसिटोन यहाँ पे तो आपकी पॉसिबल नहीं है बट यहाँ पे इसमें पॉसिबल है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है जब भी हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बन रहा है तो इसलिए ठीक है तो यानी स्टेटमेंट वन करेक्ट है क्योंकि इनॉल फॉर्म कम है और इसकी एनॉल फॉर्म फिफ्टीन परसेंट बनेगी सेकंड कह रहा है कि जो इनॉल फॉर्म acetone, in in form, तो है इट इज स्टेबिलाइज बाय इंट्रामोल्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसिटाइल एसिटोन व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल इन एसिटोन इनऑल फॉर्म तो करेक्ट है यानी कि दोनों करेक्ट है तो ऑप्शन वन बोथ आर करेक्ट इज द राइट ऑप्शन वन राइट हो गया एस इज करेक्ट एस इज रॉन्ग ऑप्शन टू में तो ये रॉन्ग है थर्ड में एस इज करेक्ट एस इज रॉन्ग ये भी रॉन्ग है बोथ आर रॉन्ग ये भी रॉन्ग है ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर थैंक यू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर